अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। पवन पांडे ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और एसपी प्रवक्ता मनोज यादव ने भी सवाल उठाए हैं। पवन पांडे ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर राम भक्तों को ठगा जा रहा है। जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। कभी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह है। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ही छलावा किया गया है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे 200 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है, उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी जल्दी इस पर जांच बैठाती है और निष्पक्ष कार्रवाई करती है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई, इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी जमीन का? और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए? इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है आस्था कमजोर होगी।